जी बेटा, तो आफ्टर द स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स दैट इज ऑफ द पी प्लांट द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स नोटेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स दोज व्हिच वर स्टडीड एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेड बाय मेंडल. सो आफ्टर नोटिंग आउट ऑल दोज करेक्टरिस्टिक्स देयर डोमिनेटिंग फीचर देयर रिसेसिव फीचर देयर जीनोटाइप फीनोटाइप दैट व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. आफ्टर दिस नाउ कमिंग टू द कंक्लूजंस व्हिच वर मेड बाय मेंडल. ठीक है, द कंक्लूजंस मेड बाय मेंडल are all enlisted under the topic of laws of inheritance. So they are all enlisted under the topic of laws of inheritance. Means what? That is the conclusions after the experiment. क्योंकि आप लोग जब भी कोई experiment करते हो आप एक procedure follow करते हो, बाद में आप कुछ conclude करते हो, है ना, result देते हो. The same way the results have been mentioned under the laws of inheritance. Okay. So now what are the four laws which were given by Mendel? Mendel ने चार laws दिए थे. The first law, that is law of paired factors. Law of paired factors. Paired factor, as the name is saying, paired means in a pair. Factors, they are the factors which will be used for the characteristics, right? So this is the law of paired factor, means that is the factors. Actually जब मेंडल ने ये लॉज दिए थे तो he used his own language, मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ एक वर्ड्स सिग्निफाई किए थे जो मॉडर्न जेनेटिक्स में जिनका नाम कुछ मीनिंग जो है वो अलग है. ठीक है, वॉट इज दैट इन मेंडल्स लैंग्वेज. पहले तो ये मैं आपको फैक्टर की ये लॉ की डेफिनेशन नहीं है, आप अलग से लिख लो कहीं पे. In Mendel's language, the words which are used as well as in the modern language. आज आप उसको कैसे जानते हो? ठीक है, तो ये रफ में कहीं पे लिख लो. Mendel की language में he used factors for the thing that which today we know as gene. ठीक है, genes समझते हैं ना आप. Genes क्या होती हैं? That which are the coding segments of the DNA. Gene क्या होता है? It's a coding segment of a DNA. ठीक है, डीएनए का वो वाला सेगमेंट जो कि आगे हमें कोई ना कोई करेक्टर प्रोवाइड करेगा. सो दैट इज अ जीन, राइट? बट मेंडल यूज्ड टू कॉल दिस जीन एज फैक्टर. ठीक है जी. सेकेंडली ही यूज्ड द वर्ड ट्रेट टू रिप्रेजेंट द करेक्टर. करेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ट्रेट वर्ड यूज किया था, मतलब करेक्टर की जगह वो बोलते थे ट्रेट. ठीक है, सो हमने जब मेंडल के गिवन लॉज लिखने हैं तो हमने मेंडल की ही लैंग्वेज में लिखने. ठीक है, मीन्स वी आर टू यूज दीज टू वर्ड्स फैक्टर्स एंड ट्रेट इन प्लेस ऑफ जीन एंड करेक्टर, राइट? सो व्हाट इज दिस फर्स्ट लॉ? द लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स. दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड और गेट्स एक्सप्रेस्ड. Every trait is represented or gets expressed only when its factors appear in pairs. ठीक है, जब ये pairs की form में आएंगे only then. Factors जब तक pair में नहीं है they are not expressive. कहने का मतलब ये है, in short, है ना? तो फैक्टर्स को हमेशा पेयर में रहना है, दैट इज टू गेट द ट्रेट एक्सप्रेस्ड. ठीक है, ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर्स को हमेशा पेयर में होना चाहिए है. ये वाला लॉ कहता है. ठीक है, द लॉ ऑफ पेयर फैक्टर सेज दैट एवरी ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड और इट गेट्स एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन इट्स फैक्टर्स अपीयर इन पेयर्स. मीन्स व्हाट? हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो. कल जो हमने करेक्टर्स किए सारे, ठीक है, आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट करेक्टर दैट इज द स्टेम हाइट, जो हमने कल उस टेबल में लिखा था. स्टेम हाइट, राइट? स्टेम हाइट में हमने बोला कि दो ट्रेट्स हैं, या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है, है ना? तो टॉल के लिए जीनोटाइप क्या लिखा था उसके फैक्टर्स का? हमने कैपिटल टी कलर तो नहीं लिखा था, है ना? वी रोट इट इन पेयर बिकॉज every trait has to be expressed only when the factors are present in pairs. Getting, right?
Similarly, if we talk about another trait, that is for the stem height, that is dwarf. Now, dwarfness is provided again by the pair, that of the recessive genes or the recessive factors. You know? So this is dwarf. Getting? So this law of paired factor, which was the first law according to the Mendel, but it is not the first law according to our modern genetics. Modern genetics mein ye pehla law nahi hai, kyunki iski exceptions aa gayi thi baad mein. To isko cancel kar diya gaya tha modern genetics se. Filhal aapne Mendel ka work padhna hai. So Mendel work mein, this is the first conclusion made by him. Anji Daksh. Anji bolo Daksh. मैम इसको रब मत करना मैम, 5 मिनट बस. ओके ओके, नोट दिस डाउन, नोटेड डाउन. एनी कंफ्यूजन टू एनीवन फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. एनी कंफ्यूजन? इट्स वेरी इजी. दैट इज फॉर एवरी ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड, द फैक्टर्स आर टू ऑलवेज बी इन पेयर्स. अगर आपसे कोई पूछता है कि टॉलनेस का जीन या फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो यू विल नॉट राइट इट इज कैपिटल डी, है ना. टॉलनेस के लिए जीनोटाइप कभी भी सिंगल अल्फाबेट में नहीं देना. कहने का मतलब ये लॉ हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. ड्वार्फनेस का पूछा तो स्मॉल टी नहीं देना, ठीक है. वी हैव टू ऑलवेज राइट इट इन पेयर्स. गेटिंग? ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू मेंडल, एंड दैट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ, that is law of dominance. Second law according to Mendel, what is that? It is law of dominance. Law of dominance, as the name is saying, this is describing the dominating factor, hai na, dominating gene ko describe kar raha hai ye wala jo law hai hamara. So that is what it is. It is a law of dominance. Now, what does this law states? This law states that in a pair of factors, jo factors ka pair hai, jaise ki ye hai, hai na? In a pair of factors, the dominating one. gets expressed, मतलब अपना expression देता है dominating वाला जो factor है. In a pair of factors, जो dominating वाला है वो अपना expression देगा. Whereas the recessive gets suppressed, means ये suppress हो जाएगा, इसका expression नहीं आएगा, ठीक है. अब ऐसे में यहां तक जो आप लोगों ने दो पेयर्स पढ़े, इनमें तो थे ही ऐसा कि इसमें कल्ले कैपिटल टीज हैं, यानी कि डोमिनेटिंग जीन्स हैं, यहाँ पे दोनों रिसेसिव हैं, है ना. यहाँ पे दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर्स है, यहाँ पे दोनों रिसेसिव फैक्टर्स है. तो ये वाला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है हमें? दिस इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रोबेबिलिटी. अगर मैं आपसे सिंपल में पूछू मैथमेटिकली, अगर आप इसको दो, आपके पास ये हेड एंड टेल है ना, जैसे कॉइन वाला हेड एंड टेल होता है ना, तो वहां पे आप लोग को बोलते हैं कि दो कॉइन्स हैं, दो में आप लोग पेयरिंग बताइए कि आपकी पॉसिबल क्या हो सकता है. या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, दोनों में टेल टेल आ जाएगा, एक में हेड दूसरे में टेल आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज बन गई ना, ठीक है. आप इसी तरह बनाते हो मैथ्स में. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द पेयरिंग ऑफ दिस, है ना. या तो दोनों कैपिटल टीज पेयर बना देंगे, दोनों कैपिटल टीज पेयर बना देंगे जो हमने पढ़ लिया, या दोनों स्मॉल टीज पेयर बना देंगे दिस वन, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो पेयर बना सकता है कि नहीं, ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे पेयर के लिए ये वाला लॉ बना, राइट. हाँ जी दिव्यांश बोलो बेटा. मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस में रिसेसिव कैरेक्टर सप्रेस नहीं होगा? तो वही तो मैंने बोला, वेयर एज द recessive gets suppressed. Okay, ma'am. Okay. Expressed is always the dominating one. Okay. The dominating one okay. gets expressed.
whereas the recessive gets suppressed in the presence of dominating. ये वाला पेयर मैं इसकी बात कर रही हूँ, है ना? तभी मैंने यहाँ पे तीन कंडीशंस बताई कि अगर आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं और आपके तीनों पॉसिबल पेयरिंग क्या हो सकती, एक तो कैपिटल टी आपस में ज्वाइन कर जाए, स्मॉल टी आपस में कर जाए, और दूसरा है ये दोनों एक साथ एक पेयर बना रहे। इस पेयर के लिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना है, जहां ये कहता है कि इन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, दिस इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, द डोमिनेटिंग वन गेट्स एक्सप्रेस्ड। डोमिनेटिंग ने अपना एक्सप्रेशन देना है, तो इस पेयर में डोमिनेटिंग कौन है? ये वाला कैपिटल डी, इसने एक्सप्रेशन देना है। वेयर एज जो रिसेसिव है, वेयर एज द रिसेसिव गेट्स सप्रेस्ड, रिसेसिव का एक्सप्रेशन नहीं आना, तो फिर ऐसे में इस पेयर का जीनोटाइप, ये जीनोटाइप बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पेयर का फिनोटाइप क्या होगा? इट विल बी टॉल, है ना? क्योंकि इसने अपना एक्सप्रेशन दिया, इसने नहीं दिया, तो जिसने एक्सप्रेशन दिया उसने अपना फिनोटाइप दे दिया, दैट इज टॉल। कैपिटल टी इज मेंट फॉर टॉल, ठीक है, समझ आ गया? सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में फॉर एग्जाम्पल कैपिटल डी स्मॉल डी, दिस इज अ पेयर कैपिटल डी स्मॉल डी प्रोवाइड्स द फिनोटाइप ऑफ टॉलनेस, that is the plant with having this pair genotype, this will be having the tall phenotype, getting? Now to describe more about these conditions, they are given certain biological terms, ठीक है? मैंने आपको इस chapter के starting में बताया था कि इस पूरे chapter में कुछ कुछ terms हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये टर्म्स जो है ये क्वेश्चंस में आती हैं एंड दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको टर्म क्लियर नहीं है, ठीक है? टर्म्स से क्वेश्चन बनना है, और अगर आपको टर्म्स क्लियर है तो आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है जी? सो दिस इज द टर्म यूज फॉर दिस कंडीशन, व्हेन द टू फैक्टर्स ऑफ अ पेयर आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है ना, एक पेयर में फैक्टर्स का पेयर है, ये दोनों डिफरेंट है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो हम यहाँ पे ऐसे पेयर को नाम देते हैं एज हेटरोजाइगस पेयर ऑफ फैक्टर्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटरोजाइगस। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड एज हेटरोजाइगस? हेटरो इन बायो आप जहां पे भी पढ़ेंगे ना, हेटरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। वेयर एज द अदर टू कंडीशंस, जैसे ये हमने पिछले लॉ में पढ़ी है, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, दैट इज कैपिटल टी इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट फिनोटाइप? इट इज टॉल, टॉल अगेन। एंड दिस कंडीशन वेयर इन अ पेयर बोथ द फैक्टर्स आर सेम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। पर होमोजाइगस तो दूसरी भी है, ये वाली भी है, स्मॉल टी भी। तो यहाँ इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? This is because a pair of only the dominating factors. So we write it as homozygous dominant. Done. And the third pair, which is going to represent the dwarf feature, jiska dwarf feature banne wala hai small t, that is called as again the same homozygous. टर्म होमोजाइगस तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें भी दोनों में सेम फैक्टर्स है, स्मॉल टी सेम है, है ना? दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव का पेयर है, ठीक है? सो थ्री टर्म्स नाउ व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, वन इज हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस जिस पेयर में दोनों डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट जिसमें दोनों सेम होंगे प्लस डोमिनेटिंग होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव जहां दोनों सेम तो होंगे प्लस साथ में रिसेसिव फैक्टर्स का पेयर बनाएगा, ठीक है? हां जी, गेटिंग एनी डाउट टिल दिस? यस, हां जी दक्ष, हां जी बोलो। मैम एक बार ये होमोजाइगस बता दो। होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब क्या होता है? पूरी बायो में जहां पे भी आप होमो होमो टर्म्स पढ़ोगे ना, तो दे मींस सेम, सिमिलर, ठीक है? तो यहाँ पे एक पेयर बना कैपिटल डी, दोनों सेम फैक्टर्स है ना, कैपिटल डी, है ना? तो दैट इज होमोजाइगस।
या अगर हम लिखे स्मॉल टी स्मॉल टी, सो इट्स अ पेयर ऑफ सेम सेम फैक्टर्स. व्हेन द सेम फैक्टर्स आर अरेंज्ड इन अ पेयर वी कॉल द कंडीशन एज होमोजाइगस. पर होमोजाइगस कौन सी, इन दोनों में से ये भी तो हमें क्वेश्चन आ सकता ना, दैट इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, कुछ भी लिख के दे सकते हैं. तो होमोजाइगस डोमिनेंट लिखे तो आपने ये कंसिडर करना है, होमोजाइगस रिसेसिव कहे तो आपने इसको कंसिडर करना है. होमोजाइगस का मतलब सिमिलर, रिसेसिव है कि डोमिनेंट वो आपको बताएंगे साथ में, ठीक है. हाँ जी डन. यस मैम. ओके हाँ जी. एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? इज दिस क्लियर नाउ? राइट, यू हैव नोटेड इट डाउन एवरीवन. सो दिस वर दीज वर द टू ऑफ द लॉज which were given by Mendel. Again, this law was again, you can say deleted from the modern genetics, क्योंकि इसके लिए भी एक exception आ चुका है, ठीक है. मतलब इसके लिए भी कुछ exceptional cases आ गए जहाँ पे ये capital T small t का कल्ला pair नहीं है, तो जिसकी वजह से वो dominating express नहीं कर रहा कल्ला अपने आप में, ऐसी चीजें आई हैं, तो जिसकी वजह से this has been again deleted, ठीक है. You are to only concentrate upon the Mendel's work. That is why we are writing all about the four laws which were given by Mendel. ठीक है, ना कि मॉडर्न जेनेटिक्स. हम अपने मेंडल के हिसाब से चलेंगे, चार लॉ जो उन्होंने दिए, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड इन मॉडर्न जेनेटिक्स दिस इज द थर्ड लॉ इज द फर्स्ट लॉ ओनली, ठीक है. मॉडर्न जेनेटिक्स में ये दोनों डिलीट हो गए, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है विच इज कंसिडर्ड एज टू बी द फर्स्ट लॉ इन मॉडर्न जेनेटिक्स बट थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है. सो अब हमने ये वाला लॉ पढ़ना है. That is the third law of inheritance, and this third law is law of segregation. What is this? It is law of segregation. Law of segregation. Segregation means, it's a English word. Segregation means separation. ठीक है. Segregation means separation. Now the law of segregation, what does this describe? The law of segregation states that, what is the statement now for this law of segregation? According to this law, the during gametogenesis means at the time of gamete formation. ठीक है. गेमिटोजेनेसिस टर्म क्या होता है बायो में बेटा, फिर से वही, जहां पे भी आप ये जेनेसिस टर्म पढ़ेंगे दिस मींस फॉर्मेशन. ओके, बायो में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें जिनका मीनिंग थ्रू आउट द बायोफील्ड जो है वो सिमिलर रहता है, ठीक है, विद अ फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस, बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, राइट. तो जेनेसिस वर्ड, सिर्फ जेनेसिस की मैं बात कर रही हूँ, जेनेसिस वर्ड मीन्स फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन? फर्स्ट वाले वर्ड का, ठीक है. जैसे यहाँ पे गेमिटोजेनेसिस, तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, है ना. इफ वी कॉल अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. मॉर्फोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, है ना. एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है. सो इट इज फॉर्मेशन. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. ओके, सो व्हाट इज दिस लॉ स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, यानी जब गेमिट्स बनने हैं, एवरी फैक्टर जो है एक ट्रेट का, हर फैक्टर अलग अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. मतलब क्या? ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस एवरी फैक्टर ऑफ अ ट्रेट गेट्स सेपरेटेड एंड सेपरेटली अरेंज्ड इन द गेमिट्स, ठीक है. तो गेमीट्स में सेपरेटली अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमने गेमिटोजेनेसिस की बात करी है. तो गेमीट्स बनते के समय ये सारे ट्रेट के जितने फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाते हैं. तो मेंडल के हिसाब से तो दो ही फैक्टर्स थे, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. नाउ टू डिस्क्राइब दिस, इफ यू गॉट अ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यू विल ऑलवेज से द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेमिंग और बाय कंस्ट्रक्टिंग अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब भी समझाना है, वी आर टू ऑलवेज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस.
अब ये क्या है मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल है। हम पढ़ क्या रहे हैं इनहेरिटेंस, है ना, हम ये देख रहे हैं ना पेरेंट्स से करेक्टर्स कैसे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो सिंगल करेक्टर की जब आप ये पूरी पैटर्न पढ़ेंगे हाउ द सिंगल करेक्टर फ्रॉम पेरेंट इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, उस सिंगल करेक्टर के एम्फेसिस में अगर हम कोई क्रॉस बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल करेक्टर जिसकी हम ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर पढ़ रहे हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम हाइट, टॉल टॉल वाला जो टॉल ड्वार्फ वाला है ना, तो हमने सिंपल एक एग्जाम्पल ले लिया स्टेम हाइट। हम देखते हैं कि स्टेम हाइट कैसे आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, क्या इफेक्ट होता है टॉल के ऊपर या ड्वार्फ के ऊपर। तो हमने ले लिया स्टेम हाइट एज एग्जाम्पल। अब हमने इस क्रॉस में ये जो हमने क्रॉस बनाना है सारा, अब इसमें हमने फॉलो करने हैं वो सारे स्टेप्स जो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पढ़े थे, है ना, याद है, नहीं याद है तो आप अपनी नोटबुक में पीछे खोल के देख सकते हो, जो हमने एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स लिखे थे वो हमने यहाँ पे फॉलो करने, इसीलिए आपको पहले पढ़ाए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने बोला था दैट इज फॉर द पेरेंट्स वी हैव टू सिलेक्ट द प्योर ब्रीड्स एज द पेरेंट्स ऑफ अवर एक्सपेरिमेंट। अब हमें पेरेंट्स लेने हैं प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड मतलब क्या होता है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव। हमने हेटरोजाइगस नहीं लेना, हेटरोजाइगस वाला प्योर नहीं कहलाता, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन इज ऑलवेज अ प्योर कंडीशन। सो वी टेक वन पेरेंट विच इज प्योर डोमिनेटिंग टॉल विद द जीनोटाइप एज कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, एक पेरेंट आ गया प्योर डोमिनेंट, ठीक है, ये जो पेरेंट है ये क्या है, दिस इज अ प्योर डोमिनेंट पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड्स बोला ना, तो हमने प्योर ब्रीड्स ले लिया। सेकेंड हमने लिया इसको क्रॉस करवाया विद द प्योर रिसेसिव पेरेंट यानी कि ड्वार्फ के साथ, तो इसका जीनोटाइप था स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, और ये पेरेंट कौन सा है, दिस इज अ प्योर रिसेसिव पेरेंट, गेटिंग, दिस इज अ प्योर रिसेसिव पेरेंट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड्स डन। सेकेंड स्टेप में अब हमने करना क्या है, दोनों पेरेंट्स ले लिए तो हमने क्या करना है, इसके आगे सेकेंड स्टेप क्या था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने ई मैस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग एंड री बैगिंग दोबारा फिर से कर देनी है। सो दैट इज जो हमने गेमीट्स अब यहाँ पे आर्टिफिशियली फ्यूज करवा दिए, तो पहले यहाँ पे गेमीट्स बनेंगे इनके, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा दोगे इन गेमीट्स की, तो गेमीट्स अब यहाँ पे ये लॉ हमें क्या स्टेट करता था कि जब गेमीट्स बन रहे हैं ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, गेमीट्स बन रहे हैं अभी यहाँ पे, एवरी फैक्टर ऑफ अ ट्रेट, ये ट्रेट है ये उसके फैक्टर्स है ना, कैपिटल टी क्या उनके फैक्टर्स है, एवरी फैक्टर ऑफ अ ट्रेट गेट्स सेपरेटेड, गेट्स सेपरेटेड मीन्स दीज आर गोइंग टू बी सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएंगे, कॉमा नहीं डालना बीच में, बस आपने अलग अलग कर देना, ठीक है, कर दिया ना हमने फॉलो, क्योंकि ये गेमीट बनते समय पे ये लगना था लॉ, तो हमने गेमीट बनाते ये लॉ लगा दिया जिसमें एवरी फैक्टर ऑफ अ ट्रेट दैट गेट्स सेपरेटेड, सिमिलरली फॉर द अदर पेरेंट इट विल बी स्मॉल टी डन। हाँ जी बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके, आफ्टर दिस नाउ फर्दर These are going to fuse, undergo the fertilization. Gametes रखे हैं हमने, gametes artificial hybridize करवाए हैं, तो obviously उन्होंने F1 generation आगे new organisms का provide करना है ना। अब जब gametes की fusion होगी, आपने तो simple एक ovule के ऊपर यानी कि ovule का जो part था female reproductive system का stigma के ऊपर आपने तो सिर्फ pollen grains रखे है ना, अब आपको नहीं पता कि उनके अंदर कौन सा gamete है और क्या क्या characteristics है, पर हमने जब इसकी फर्स्ट जनरेशन बनानी है तो हमने उस F1 जनरेशन में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने, कैसे दिस गेमीट कैन हैव द फ्यूजन विद स्मॉल टी, सेम पेरेंट के सेम गेमीट्स नहीं कर जाएंगे फ्यूज दोबारा, ठीक है, वो तो एक ही बॉडी के अंदर थे तो वही फ्यूजन नहीं दे देंगे, तो वो ये स्टिग्मा के ऊपर पड़ेंगे, ओव्यूल के अंदर है और ये पॉलन ग्रेन के अंदर है, इस तरह से समझ लो, ठीक है, तो अलग फ्यूजन देंगे। सो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी डन।
This may also get fused with another one, again resulting into capital T small t. These two may also fuse, that is capital T small t. And the other two can also fuse, resulting in capital T small t. Done? ये समझ आ गया? हमने चारों पॉसिबल पेयर्स बना दिए. दिस कैन फ्यूज विद इधर, दिस कैन फ्यूज विद इधर ऑफ दोस. डन. नाउ एज अ रिजल्ट फ्रॉम एफ वन जनरेशन व्हाट वी कैन फिगर आउट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स व्हिच हैव बीन मेड दे शो द सिमिलर फीनोटाइप एंड दैट इज टॉल. सेम फीनोटाइप है ना सबका, 100% दे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर टॉल, राइट? है ना, ड्वार्फ वाला करेक्टर तो खत्म ही हो गया. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ था जिसने स्मॉल टी का पेयर अलग कर दिया. रिसेसिव फीचर अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाता है जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगा, नहीं तो कोई भी कंडीशन में रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन नहीं देता. और ये होमोजाइगस रिसेसिव में पेरेंट में हमने लिया था, लेकिन जैसे ही गैमेट्स बने तो वो सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से ड्वार्फ फीचर तो खत्म ही हो गया यहाँ पे, नहीं दिखा, है ना. सेकेंडली टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ दीज जीनोटाइप्स. अब ये सारे जीनोटाइप्स देखो कौन से हैं. दे आर ऑल विद द 100% हेटरोजाइगस कंडीशंस, कैपिटल डी स्मॉल डी. तो ये वाली कंडीशन कहाँ गई जो पेरेंट्स की हमने ली थी, प्योर कपल जो हमने प्योर एक पेयर बनाया था जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स का, है ना, ये जो एक दो जीन्स हैं ये कपलिंग हुई हुई अगर, तो ये प्योर्स की थी, यहाँ पे भी. अब वो प्योरिटी कहाँ गई, वो सेग्रीगेशन की वजह से अलग अलग हो, ठीक है, वो प्योर प्योर नहीं रहा. कैपिटल टी स्मॉल टी ने हेटरोजाइगस पेयर ऑफ जीन्स बना दिया, फैक्टर्स बना दिए, ठीक है. सो दिस वॉज वॉट द एफ वन जनरेशन रिजल्टेंट. वॉट इट? ओके. आफ्टर दिस थर्ड स्टेप ऑफ मेंडल दैट वॉज सेल्फिंग. सेल्फिंग में क्या होता है, नाउ एरो लिखो, आगे एरो बनाओ, एरो के ऊपर लिखो सेल्फिंग. सेल्फिंग में क्या करते थे, हमने क्या समझाया था कि द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वन जनरेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अ पेरेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. ये किया था हमने, है ना. सो नेक्स्ट इज पेरेंट्स हमने फिर से चूज करने हैं, पर दोबारा शुरुआत से नहीं. अब इनमें से ही किसी दो को हमने रैंडमली सिलेक्ट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सेल्फिंग, ठीक है. सो दिस इज कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस्ड विथ कैपिटल डी स्मॉल डी. दो रैंडमली ले लो सारे सेम. अब फिर से जब इसके पेरेंट्स के गैमेट्स बनेंगे तो फिर से ये रूल अप्लाई होगा, दैट इज ऑफ सेग्रीगेशन फिर से अप्लाई होगा. तो क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. डन? हाँ जी, क्लियर है ना. तो ये बन गए गैमेट्स, अलग अलग हो गए. अब जब इसके बाद हमने बनानी है वापस फिर से नवी जनरेशन, इट इज अ कॉन्टिन्यूड जनरेशन, है ना. पहली जनरेशन के बाद हमने दूसरी बनाई है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एफ टू जनरेशन, राइट. फॉर एफ टू जनरेशन इट नीड्स पर्टिकुलर 5 to 7 minutes, सो योर टाइम इज ऑल्सो ओवर. सो आई विल बी फ्रेमिंग द एफ टू जनरेशन, आई विल कॉन्टिन्यू आफ्टर दिस टुमारो. ओके. तो आपको समझाना भी है, प्लस उसमें रेशियोज भी निकलनी है, तो इसलिए यहां तक आप पहले फिलहाल कर लो एफ वन तक. दिस होल प्रोसेस ऑफ एफ टू हम लोग कल करेंगे कॉन्टिन्यू, ठीक है. एनी क्वेश्चन टू एनी वन इफ यू वांट टू आस्क? यस.